ये था, इसको इसके ऊपर फोल्ड किया, ये बनेगा, फोल्ड किया, ये बनेगा। फाइनली यहाँ से एक पीस काटा, यहाँ से एक सर्कल काटा, तो क्या बनेगा? लास्टली क्या फोल्ड किया? इस वाली लाइन के अबाउट, ठीक है, ये जो लाइन है, तो इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज सर्कल की, तो ये खुल जाएगा। ये हो जाएगा, तो सर्कल की यदि यहाँ पर है तो इस केस में देखेंगे तो कहीं यहाँ पर कुछ आएगा और इसका ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, तो ये होगा और ये कुछ होगा, ये होगा एंड ये होगा। अब इसके बाद इसके अबाउट देखा, ये लाइन होगी ना, अब इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज, ठीक, तो खोला, तो ये तो इनिशियली था ही, ये भी आ गया था इस लाइन के अबाउट। देखो मेरे इमेज क्या होगी, इसकी जस्ट यहाँ बन जाएगी, इसकी आप चेक करो, यहाँ पे ऐसा बनेगा, इसकी ये बनेगी और इसकी ये बन जाएगी, तो फाइनल फिगर ये हो जाएगा, ठीक है, यू कैन चेक। अच्छा अब एक ट्रिकी देख लो, मतलब बिकॉज एग्जाम में हमें इतने सारे स्टेप्स नहीं करना है, वो कंसेप्ट बैठाने के लिए दिमाग में ऐसा करना चाहिए, लेकिन एग्जाम में जैसे आ जाए, एग्जाम में फाइनल फिगर आप ये देखोगे तो ये सारी स्टेप्स एक साथ ही मर्ज करनी है, ठीक है, जैसे फाइनल फिगर क्वेश्चन में ये था, तो एक ही स्टेप में करना है, जैसे ये था, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लिया, इधर किया, ये किया, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन था फाइनली, तो ये किया एंड ये किया। पेपर वर्क जितना कम कर सको उतना करना है एग्जाम में, मेंटल वर्क ज़्यादा करना है, तो ये हमें पता चल जाएगा, ठीक। ओ ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसके नेक्स्ट वाला अब हम ट्रिक से ही करेंगे, बिकॉज ट्रिक इज द बॉस, ठीक है। ये है, इसके अबाउट हमने इसको फोल्ड कर दिया, लास्टली क्या किया है, इसके अबाउट इसको फोल्ड किया है, तो मिरर इमेज हम यहाँ पे बना देंगे, चाहो तो रेड से बना देता हूँ, तो इसकी मिरर इमेज इसमें कैसी बनेगी, ऐसे सर्कल की इमेज ऐसे बन जाएगी, ठीक है, और यदि ये सर्कल ऐसे आ रहे होंगे कि देन फिर इसके बाद ये पोर्शन आया था, तो इस लाइन और इस लाइन के अबाउट साइमल्टेनियसली मिरर इमेज निकाल दो, तो यदि ये ऐसा था कि मतलब जब ये फ्लैप हुआ ना, तो यदि ये इन दोनों सर्कल्स के अंदर आ रहे थे, जैसे वो पहला वाला क्वेश्चन था ना एक, तो यदि ये इसके अंदर आ रहे हैं देन अलग चीज़ होगी, बाहर आ रहे हैं तो अलग चीज़ होगी, तो अंदर वाला मान लेते हैं, तो यदि अंदर वाला है, इसको उठाओ, तो मिरर इमेज की यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, अकॉर्डिंगली हो जाएगा। और इनके से ये इधर होता तो कहाँ बनती इमेज, बाहर बनती है ना, चेक कर सकते हो, यदि ये बाहर होता है इसके तो इमेज इधर कहीं आ जाती, जो कि पेपर में नहीं होती, वो हवा में ही होती, तो वो इतना ही फिगर दिखता, फिर ये होता और कुछ इसके अकॉर्डिंगली हो जाता, ठीक है। इसके उसके ऊपर फोल्ड किया, देन इसको इसके ऊपर फोल्ड किया, ट्राइंगल्स काट दिए, अब क्या होगा, सबसे पहले लास्ट क्रीज ये थी, तो इसको ऊपर मिरर इमेज बना दी, तो ये हो जाएगा और इसका ये हो गया, ठीक है। अब ये एक्चुअली यहाँ तक आया होगा, यदि ये सेंटर लिया है तो ये कुछ कर्व पोर्शन ऐसा आया होगा, ठीक है, तो अब इस कर्व पोर्शन के अंदर ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ सकता है, यदि ऑप्शंस में कुछ ऐसा हुआ, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज ये यहाँ तक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो जनरलाइज केस में वो ऑप्शंस के हिसाब से देख सकते हो आप कि कहाँ तक जा रहा है, यदि ये क्रीज इतनी बड़ी होगी, बिल्कुल मेरे इमेज के हिसाब से जाना है, तो मान लेते हैं कि ये जो था
ये यहाँ तक था सच दैट कि सर्कल, ये जो ट्राइंगल है ये इसमें रहा है और ये वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, अज्यूम कर सकते हो सेफली, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अदरवाइज ऑप्शन के हिसाब से कि ऑप्शन में यदि बाहर है इसके बाहर या इसके अंदर है, अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ऐसे हो सकता था कि ऐसा हो जाता कुछ, ये मतलब यहीं पे आके फ्लैप हो गया छोटा सा तो नहीं जाता उसके अंदर ये, बट मान लिया है तो ठीक है। तो ये इसके अंदर जाएगा तो फाइनल मेरी इमेज क्या बनेगी, ये इधर आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये बाहर माना है हमने इसके, तो इसलिए इसकी मेरी इमेज इसमें नहीं आएगी, बाहर जाएगी। और सिमिलरली ये भी सेम ही केस है तो ऐसा आ जाएगा कुछ, ये फाइनल फिगर हमारा होगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि अब ट्रिक से ही करना शुरू कर दो, इनकेस कोई कॉम्प्लेक्स फिगर आता है देन यू कैन गो स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज टाइम एफिशिएंटली यूज़ करना है। तो अब सेकंड प्रॉब्लम, इसको ऐसे किया फिर इसके ऊपर ऐसा रखा, यानी कुछ ये ऐसा आ गया होगा, ऐसा आ गया होगा। तो फाइनली इसके अबाउट मिरर इमेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये एक्चुअली इधर कहीं आ जाएगा, तो इट इज़ नॉट इन आ नॉट फॉर आ कंसर्न। तो ये ऐसा कुछ बन गया और ये ऐसा हो जाएगा कुछ फिगर, ठीक है, मतलब ये पूरा हो गया। अब उसके बाद इधर खोलेंगे, ऐसे बन किया था ऐसे खोलेंगे तो वापस मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट और ये आ जाएगा। तो ये काफ़ी इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को देखो, सबसे पहले इन दोनों को उठा के ऐसे रखा सच दैट ऐसा बन जाएगा, फिर अब उसके बाद ये किया, अब तक हम बड़े से छोटे पे जा रहे थे, खैर वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब ये ऐसा हो गया तो फाइनली ऐसा दिख रहा है, फिर फाइनली एक हेक्सागन इसको काट दिया। तो अब कैसे करना है भाई, एक्सिस आखिरी ये था, ये वाला था, तो इसके अबाउट लेंगे तो मिरर इमेज ये बन जाएगी इसकी और ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट ये यहाँ तक होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा देखना है, ये यहाँ तक ही आएगा, इसको ऐसे ही समझो ना कि इसकी मिरर इमेज ऐसी आएगी, ठीक। अब इसके बाद इस वाले पार्ट को खोलो, सिमिलरली इस वाले पार्ट को भी खोलना पड़ेगा, तो इस वाले पार्ट को खोलोगे तो छोटा हो गया, ये पूरा ऐसा बड़ा हो जाएगा। एंड अब हेक्सागन की चेक करोगे तो ऐसी ही कुछ बनेगी, ये होगा ऐसे, बिकॉज हेक्सागन के आप ऐसे रखोगे तो ये ऐसा आ जाएगा इतना पोर्शन, फिर ये एंड देन अगेन ये, ठीक है, तो ये कुछ वापस हेक्सागन जैसे ही दिखेगा, तो ये बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हर एक इसको उठा के ऐसे फोल्ड कर दिया एंड देन ये ट्राइंगल्स काट दिए, कुछ एक सर्कल काट दिया, तो मान सकते हो कि ये जो आया होगा ये कुछ ऐसा जा रहे होंगे सब, ये इसमें और ये कुछ यहाँ से ऐसा कुछ जा रहा होगा, ठीक है। तो इसके अबाउट तीनों के अबाउट मेरी इमेज, इसकी मेरी इमेज पहले यहाँ पे ऐसी बनेगी, ये चूंकि इसके बाहर है, ये वाली जो सर्कल बनेगा ना ये ऊपर ऐसे उसके बाहर है, तो ये बाहर जाएगा इस वाले पोर्शन में आए, तो ये यहाँ पे ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा और ये जो सर्कल है, ये जो छोटे ट्राइंगल्स हैं, ये इधर की इधर ही रिफ्लेक्शन इनकी बन जाएगी। तो फाइनली फिगर कैसा दिखेगा, ये पूरा सर्कल रिस्टोर हो चुका होगा, एंड इन्हें भी हटा दो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, रफली कुछ ये ऐसा दिखेगा।